अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं खा रही थी ओरियो और आपसे मैंने सोचा कि बैठ के थोड़ी बात कर लेती। मुझे बात ये करनी थी कि आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, फ्रॉम फिल्मिंग, फ्रॉम वीडियो मेकिंग, हर चीज़ से मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। और वो ब्रेक लेने का आई थिंक ये बहुत अच्छा मंथ है कि मैं इसमें ब्रेक ले लूँ। अब यह है कि अच्छा मंथ इस सेंस में तो नहीं है कि अगर मैंने अपने चैनल की ग्रोथ पे काम करना होता है, जो कि ऑब्वियसली हमारा मेन मकसद होता है, तो उसमें यह है कि आप इस वक्त ब्रेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यही तो टाइम है जब बड़ी इदारी आप रेसिपीज अपलोड करते हैं और आपके पास और व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा बस रेस्ट चाहिए। अब मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई और रीज़न नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि मुझे कुछ छुपाना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ फाइन, क्योंकि आप लोग फिक्र में आ जाते हैं फ़ौरन, तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मैं थक गई हूँ यार। मैंने जब अपना अपवर्क छोड़ा था पिछले साल, तो मैंने सोचा था एक दो महीने की ब्रेक लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले सकी। मैं यूट्यूब पर काम करती गई और आज तक मैं काम करती आ रही हूँ। और असल में कुछ काम ऐसे पाइल अप हो गए हैं कि जो YouTube की एडिटिंग के साथ साथ नहीं हो रहे हैं। मुझे ना बच्चों को भी ज़्यादा देखना होता है, घर को देखना होता है, हम सभी को ही जो मॉम्स हैं। तो मेरा क्या सीन है कि मेरे दो दो चैनल्स हैं और मेरे साथ में जो है वो YouTube क्या उसे कहते हैं, मेरी अपनी वेबसाइट भी है, तो मुझे उस पर भी मुसलसल काम करना होता है। ये सारा कुछ मैं खुद कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता। और स्पेशली अब ये कोरोना की वजह से ना घर में सफाइयाँ सुथराइयाँ कर करके ना, तो आप मेंटली फिजिकली ड्रेन आउट हो चुके होते हो, और फिर उतनी मोटिवेशन और इतना जोश नहीं रहता, और थकावट जल्दी होती है। एटलीस्ट ये मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने सोचा इट्स हाई टाइम कि मैं थोड़ी ब्रेक ले लूँ और फिर उसके बाद एनर्जाइज होकर दोबारा वापस आ जाऊँ। अच्छा, अब उसमें ये है तो कितना पेल लग रहा है मेरा कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं थकी भी नहीं हूँ। ये कैमरा का आई थिंक एंगल इस तरह से, ये यहाँ पे ये येलो कवर्स हैं तो इनका कलर आ रहा है। अच्छा खैर, तो काम मैं आपको बताती हूँ काम क्या करने वाले हैं। एक तो ये कि मुझे तेहामी का चैनल बनाना है। चैनल का उसने थ्री वीडियोज़ उसने बना ली हैं, जिसमें से दो मैंने एडिट कर ली हैं। उसका इंट्रो आउट्रो मैंने क्रिएट कर दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन उसका यूट्यूब का चैनल आर्ट रह गया, उसके थंबनेल्स रह गए दो वीडियोज़ के, और उसका जो है वो जो वीडियो यूट्यूब का जो क्या होता है पिक्चर होती है मेन प्रोफाइल पिक्चर, वो रह गई है। तो वो सब चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और साथ में ये है कि उसका थंबनेल वगैरह हम लगा नहीं सकते क्योंकि अभी वो फ़ोन वेरीफाइड नहीं है उसका अकाउंट, तो वो करना है मैंने। तो ये काम है, और थोड़ी बहुत हमें को साथ साथ एडिटिंग सिखानी है। उसकी सारी वीडियोज़ 20-20 मिनट्स की वो वीडियो बना रहा है, वो सारी सुननी है, कटिंग करनी है, वो सारा मतलब काफ़ी काम है वो भी। और उसके अलावा अब मेरे काम क्या क्या है, मेरे काम ये है कि जो एक मेरी वेबसाइट है उसका डेटा थोड़ा सा मुझे जो है वो रीअरेंज करना है। डिटेल्स में क्या जाना, क्योंकि जो वेबसाइट बना नहीं रहे होते उनको फिर समझ नहीं आएगी या फिर इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में ऑब्वियसली, तो लेकिन मुझे वेबसाइट का काफ़ी सारा डेटा हैंडल करना है, उसको काफ़ी कुछ मुझे चेंजेस उसमें करनी है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी उसके अलावा ये चीज़ है कि जो मेरे जब मैंने नौश किचन रूटीन चैनल के ऊपर यूट्यूब पे जो अपनी वीडियोस हैं उनके नाम चेंज किया ना टाइटल्स के, जिसमें मैंने कुकिंग रेसिपीज़ का टाइटल स्टार्ट में कर दिया, नाम स्टार्ट में कर दिया, तो उसमें मैंने जो मेरे पास ऑफलाइन जो वीडियो सेव हुई हैं जब मैंने एडिट करके जब सेव करती हूँ कंप्यूटर में, तो उन पर मैंने नाम चेंज नहीं किया, उन पर वही वाले यूट्यूब के पुराने वाले टाइटल्स हैं। तो वो सब करना है, वो तकरीबन 150-146 वीडियोज़ हैं, वो सारा कुछ करना है, वो काफ़ी काम है। उसके अलावा एक और काम ये है कि जो मेन चीज़ है मुझे लगती है, वो मेन चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ YouTube तक लिमिट होकर रह गई हूँ, और मैं आपसे कम्युनिकेट YouTube के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं कर पा रही हूँ। ईमेल वगैरह पे तो आपको पता इतना होता ही नहीं है। ईमेल जो है वो क्लैब्स वगैरह या इस तरह की कोई भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन या कुछ, वो उन चीज़ों के लिए होता है। जस्ट ईमेल मैंने लिखा होता है उसको मैं इतना बॉदर भी नहीं करती हूँ। कम्युनिकेशन हो सकती है या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू। इंस्टाग्राम जो वो मुझे अब इतना अनॉइंग लगने लग गया है जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो मैं शुरू से उस ऐप में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बना लिया हुआ है तो चलो ठीक है जी, लेकिन उसमें जो भी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो चले जाते हैं स्पैम फोल्डर में, और फिर वहाँ पर मैं देखूँ ना देखूं 10-10 दिन नहीं मैं देखती, तो वो सब चीज़ें। तो उसके अलावा
फेसबुक है, फेसबुक पे मैंने पेज बनाया हुआ था अपना नौश किचन रूटीन का, नौश व्लॉग्स का, और मेरा अपना जो है वो नौश व्लॉग्स का पब्लिक अकाउंट भी है, वो सारा कुछ ना। तो उन सारों को मैंने सॉर्ट करना है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न आते हैं कुकिंग के बारे में, क्वेश्चंस बेकिंग के बारे में क्वेश्चंस, या फिर न्यू चैनल बनाना है उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ आप सबकी। तो ये मेन रीज़न है कि मैं फिर अब फेसबुक पे वापस आई हूँ। फेसबुक पे मेरा जो पेज है वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, उसका मैंने नाम नौश किचन रूटीन रखा हुआ था, लेकिन अब उसका मैंने नाम रख दिया हुआ है देसी किचन क्वींस। अब मुझे आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नाम ठीक है, देसी किचन क्वींस रहने दूं या नौश किचन रूटीन रहने दूं। तो वो बहरहाल वो मेरा चैनल है, उसके ऊपर मैं आपको ज़रूरी जरूरी जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप भी कोशिश करें कि डायरेक्ट मुझे जस्ट क्वेश्चंस पुट इन कर दिया करें और मैं बस उनके जवाब दे दिया करूं। तो ये बेसिकली सारी रीजंस हैं। तो मुझे फिर आके फेसबुक के ऊपर भी अपना काम अप करना है, और फिर साथ में मैंने सोचा कि चलो उस पेज पे वापस जो आ रही हूँ तो सारी की सारी अपनी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनको फेसबुक पर लगा दूँ। इससे पहले कि फेसबुक पे तो बहुत आम हो रहा है, और मेरी भी वीडियोस कुछ के साथ, शुक्र है ज़्यादा के साथ नहीं, मैंने तो अपना जो क्या कहते हैं कि नीचे अपना लोगो, अपना पूरे चैनल का नाम लिखना शुरू कर दिया है अपने आप मेरी वीडियोस में देखें तो, क्योंकि मेरी वीडियो चोरी हुई थी और फेसबुक पे लगी हुई थी, तो उसके बाद से मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया कि कोई पूरा का पूरा डेटा उठा के इस तरह करे, तो मैंने उस पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मैं फेसबुक पर सबसे पहले अपनी वीडियो को अपलोड कर दूँ, तो वो काम मैंने करना है। तो ये सारे काम है, और आप सबके लिए भी एक किस्म की गुड न्यूज़ है कि मैं जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँगी, ऑल्दो आपको वैसे मिल जाएंगे, आई डोंट मीन टू से कि मैं नहीं बताऊँगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन होता है ना कि जिसको आप देखते हो, जिसको आप जिसकी बातों पे यकीन करते हो, आप उसी से पूछना चाहते हो और उसी से सीखना चाहते हो। तो मैं वहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको यूट्यूब पर तो बहुत गाइड कर देती हूँ जो जो मेरा नॉलेज है, लेकिन मैं आपको पर्सनल लेवल पर कोई गाइडेंस नहीं देती, कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं देती। तो मुझे लगता है कि वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि किस किस के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्यूब से रिलेटेड तो इतने ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के, इसकी कोई हद नहीं है। तो प्लान मेरा ये है कि मैं नौश किचन रूटीन पे जो मेरे पास ऑलरेडी कोई वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी हुई, उनको एडिट करके मैं बीच बीच में अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको रेगुलरली कंटेंट नहीं मिलेगा। और अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी भी तो जस्ट मैं फूड की वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगी, रेसिपी की। उसके अलावा नौश जो व्लॉग्स है, हो सकता है उस पर मैं ज़्यादा व्लॉग्स करूँ, क्योंकि जब मैं फारिग होंगी तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा वैसे ही बंद, मैं क्लिप्स तो बनाती रहती हूँ तो उनको कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या करना है, मैं कम्प्लीटली जो है ना वो यूट्यूब से गायब नहीं हो जाऊंगी, मैं ऑफ एंड ऑन वीडियोस आती रहेंगी, और लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं ईद के बाद से जो है ना वापस ज्वाइन कर लूँ, उस वक्त तक मैं ये सारे काम निपटा लूँ। तो लेकिन उस वक्त के लिए मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, और मैं रिप्लाई करती रहूँगी, और कमेंट्स वगैरह जो है मैं देखती रहूँगी, और मैसेजेस जो हैं वो जो ज़रूरी ज़रूरी होंगे उनके रिप्लाई करती रहूँगी। तो बस ये चीज़ है। बाकी मैं आपको पेज नौश किचन रूटीन, मेरे चैनल का पहले नाम था लेकिन अब उसका मैंने अभी अभी देसी किचन क्वींस किया है, तो फिर मुझे पता चला है कि वो 9 डेज 7 डेज लेता है दोबारा चेंज करने में। तो मुझे ये भी सजेशन दें कि उसका नौश किचन रूटीन नाम ठीक है या देसी किचन क्वींस नाम ठीक है। तो क्योंकि उसके ऊपर ये भी होगा कि आप अपनी रेसिपीज भी अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो उसके ऊपर, या कोई जैसे ही गपशप का रैंडम कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है आपने सबसे पूछना है कि चलो आओ इस पे क्या अपना अपना ओपिनियन दो, तो आप वो कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अगर आपने अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो ये नहीं है कि जो भी वीडियो बनाई है डेली की डेली आप वो जो है लिंक्स अपलोड करें। थर्सडेज है ना, थर्सडेज को आप अपने चैनल की प्रमोशन कर सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक पेज है तो आप उसकी प्रमोशन कर सकते हैं ओनली ऑन थर्सडेज। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी। हाँ, आप क्वेश्चन आएगा कि ईद की वीडियोस आएंगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो कि आएंगी या नहीं आएंगी। तो अब डिपेंड करता है, अगर ईद पे तिहामी के तायाबू का उनकी फैमिली के साथ आने का प्रोग्राम बन रहा है, तो अगर वो प्लान होता है फाइनल, तो उस केस में तो फिर वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी जो शहजाद की जो साइड है वो शहजाद ने मना किया हुआ है, और मैं खुद भी जब जब यूट्यूब पे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो मैं देख रही हूँ कि नहीं, हमारे प्यारे जो हैं वो हेट और क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करते हैं, तो मैं इस वजह से वो नहीं करती। अब तो मैं अपने मैके को भी नहीं दिखाया करूँगी, पहले तो थोड़ा बहुत सा मैंने मैका इतना इतना सा मैका दिखाया था ना, मैं उतना सा भी नहीं दिखाऊँगी। तो अगर तो वो लोग नहीं आते हैं तो फिर आपको व्लॉग मिल जाएगा, लेकिन अगर वो लोग आते हैं तो फिर आपको कम्प्लीटली कोई व्लॉग नहीं मिलेगा। तो ये है कि बस ये प्रोग्राम है।
तो इंशाल्लाह लेकिन ईद के बाद आई विल बी बैक ऑन यूट्यूब और विद अ बिग बैंग और धूमधाम के साथ फिर से रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। तो चले इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।